तो क्या बनारसी बाबू खत्म करेंगे बीजेपी का वनवास इस रोड शो से, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पूर्वांचल के लिए इससे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी रोड शो कर ले आज की तारीख में, हम किसी भी पार्टी के झोली में वोटों की बारिश कर दे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? हर एक गृहिणी, हर एक बेरोजगार युवक, हर एक बच्चा, हर एक माँ, हर एक पिता आज की तारीख में यही सवाल पूछ रहे हैं, जब उनके सामने ये तस्वीरें, चाहे वो अखिलेश यादव की हो और राहुल गांधी के रोड शो की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की हो। लाहिरी साहब, मैं आपके पास आऊँ, उससे पहले संजय झा साहब, क्या वाकई आपको आज की तारीख में ये लगता है कि आपका काम बोलता है और आप वो काम गिनाने की स्थिति में है, माँ गंगा की कस्में खिलवाने की स्थिति में है? रूबिका जी, देखिए, यदि आप सारे आंकड़ों जिसके बारे में हमने काफी दिनों से उसके बारे में चर्चा की है, तो ये साफ उभर के आता है कि अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा प्रगति के तरफ, आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत हुई है, रोड्स अच्छे बने हैं, शिक्षा पर बहुत खर्च की गई है। आपने कुछ अहम मुद्दों को आज उठाया है, मैं उसके बारे में संक्षेप में जवाब दे दूं आपको। आपने स्वास्थ्य के बारे में उठाया, बहुत ही सही कहा आपने। आप भी ये जानती हैं कि केंद्रीय में सरकार ने कानून बनाया, लेकिन हेल्थ या स्वास्थ्य एक स्टेट सब्जेक्ट है और यहाँ पर ज़्यादा जिम्मेदारी इसमें मायावती जी की सरकार की थी, और खान साहब का जवाब मुझे लाया कि काफ़ी कमज़ोर है। जहाँ तक मोदी जी की सरकार के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, इनके ही अपने मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कल कि मोदी जी जो ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं बनारस में, ये बिल्कुल वक्त की बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है, क्योंकि सच्चाई तो यही है फिर ऐसे कि मोदी तो जी की सरकार ने अगर आपको विश्वास आपके बयान की इतनी फिक्र हो गई और उस पर आप इतना यकीन करते हैं, तो फिर अखिलेश यादव के पिता का ये कहना कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि देश को भटका रहे हैं, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उसको भी फिर आप मान लेंगे पूरी तरह से। मैं आपको एक बात बताऊं रूबिका जी, आप इस बात पर ध्यान दीजिए, जब इनसे सवाल पूछ रही हैं तो ये चुनाव हुआ सवाल का जवाब नहीं तो देकर ढेर सारे मुद्दों के बारे में बातचीत की गई, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। खुद राहुल गांधी जी ने कहा था कि 27 साल बुरा है, उत्तर प्रदेश से 27 साल बुरा है, एक मिनट शाहनवाज जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से आपको 71 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के 71 सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए शाहनवाज जी कि आप लोगों ने देश के साथ धोखा क्यों किया, उत्तर प्रदेश के लोगों को आपने जानबूझ के गुमराह किया, क्या किया है आपके 71 सदस्य जो लोकसभा में बैठे हुए हैं, जो साक्षी महाराज, जो योगी आदित्यनाथ, सिर्फ समाज को तोड़ने की बात किया है उन्होंने, किया उसका जवाब दीजिए। आप लोकसभा की बात क्या किया है, लोकसभा की बात कर रहे हैं, मैं तो विधानसभा में जिसकी सरकार है उसके लिए आपसे सवाल पूछ रही हूं। मैं कह रहा हूं रूबिका जी, एक सेकंड शाहनवाज हुसैन, मैंने तो उसका जवाब दे दिया था सर, नहीं दिया आपने, राहुल गांधी जी ने कहा कि ये सरकार की किसी काम की नहीं है, 27 साल बुरा हाल है, खाट सभा में जो बात कही राहुल गांधी जी ने, क्या उससे एग्री नहीं करते हैं संजय झा जी? रूबिका जी, रायबरेली में 57 साल से सर आपके, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज से भी कोई ना कोई आता रहा है, इनका कारनामा क्या हुआ है सर, बता काम दीजिए नहीं मुझे। कारनामा बोल रहा है ना, गायत्री प्रजापति को किसने शरण दिया, अमेठी में छुपा है कि लखनऊ में छुपा है, लोगों ने देखा गायत्री प्रजापति का जवाब दीजिए, मोदी जी को लेके इतना शोर हो रहा है और ये कहते हैं वो रोड शो नहीं है, मोदी जी क्यों इतने दिन बिता रहे हैं अपने अपने ही चुनावी क्षेत्र में, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वहां से वो हारेंगे, और यदि वहां से हारे तो प्यार कर रही है, जवाब देने के लिए कोई चेहरा नहीं रहेगा, प्यार कर रही है अपने देश में, अपने के लिए देश का प्रधानमंत्री हताश और निराश हो चुके हैं, क्षेत्र में नहीं रहे तो क्या आपसे पूछने की जरूरत है? शाहनवाज हुसैन साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, जनता इतना प्यार कर रही है तो वो तो आपको कल दिख गया था, फिर आज वापस आपको रोड शो करने की क्या जरूरत पड़ गई शाहनवाज हुसैन साहब, आकर खड़ी हो गई है, कुल मिलाकर ऐसा है, आप लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, इनके पास कोई आलोचना नहीं है, इनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से ये कोई मुकाबला नहीं कर सकते। आप दोनों बड़े लॉजिक के साथ अपना अपना काम रख सकते थे, तो पूर्वांचल की जनता को थोड़ी आसानी होती सर, वो नहीं हो रहा है।